एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो माफी चाहूंगा थोड़ी देरी से आने के लिए क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया हूं। तो भाई लोग आप सभी के सामने हम बता दें तो यहां पे टीम डी बनाम नेपाल ई स्पोर्ट्स चलता हुआ। जी हाँ, नेपाल की स्क्वाड है गैंग बैंग और टीम डी है इंडिया की स्क्वाड। तो नेपाल वर्सेज इंडिया चलता हुआ जो कि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर ये मैच चल रहा है टीम डी बनाम नेपाल का, जो कि नेपाल के किसी एक चैनल पर लाइव हो रहा है। तो उस चैनल के अंदर मेरे को अनुमति मिली है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ अपने वाईटी पे। तो ये एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चलता हुआ टीम डी बनाम नेपाली स्पोर्ट्स का। तो टीम डी की तरफ से बात करें तो RNS और DLX, DYAHI और DANKIT, और नेपाली स्पोर्ट्स की तरफ से निशान और नितेश और नोवा। तो सेव नॉक हो चुके हैं। तो और नोवा काफ़ी अच्छा भाई साहब फर्स्ट इसको तो देख के मैं भी डर गया थोड़ा सा भाई। कमेंटेटरी रुक चुकी थी 1v2v4 सिचुएशन है। तो इस मैच के अंदर हम आपको बता दें कोई रूल्स नहीं है। आप हाइट लो, पहचो आसमान में चढ़ जाओ, जमीन में घुस जाओ, कुछ भी कर लो और टीम DF0 से आगे। आप नेपाल स्पोर्ट्स चलते हो बैटर रही ना कि ये काफ़ी बड़ी स्क्वाड में इनका नाम संभाल है नेपाल ई स्पोर्ट्स का। तो नेपाल स्पोर्ट्स का नोवा को नोवा कर दिया गया है यही क्या। तो हम बात करें इस मैच के अंदर आप हीलिंग बैटल करो या कुछ भी करो तो सब अलाउ है क्योंकि एक ऑफिशियली मैच चल रहा है। और जो लोग चूतिए बोलेंगे कि भाई ये हीलिंग बैटल चल रहा है और हाइट ले रहा है, तो भाई इस मैच के अंदर सब कुछ अलाउ है। कैसा भी मारो ऊपर से या नीचे से, चाहे हील बैटल से करो चाहे कुछ भी करो, हर चीज़ अलाउ है क्योंकि एक टूर्नामेंट का मैच चल रहा है ऑफिशियली। तो दो बंदे बचे हैं नेपाल स्पोर्ट्स के। अब दो 2v2 सिचुएशन आ गई है। तो याही और RNS, तो याही नॉक, ओ भाई साहब अकेले RNS आ चुके हैं अब सपोर्ट के लिए। तो अकेले एक बंदा बचा है और यहाँ पे RNS हील करते हुए अपने बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। तो बात करें तो नितेश को नॉक ले लिया गया है। यहाँ पे बात करें तो हील अप करने आए थे निशान, पर निशान जान निशान हो चुके हैं इनकी और 40 KL ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सामने है TMD की एक मजबूत स्क्वाड जो कि क्लैश स्क्वाड में इनका नाम शुमार है। हमेशा से सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए, आने वाले भविष्य में टीम डी इतना नाम कमाएगी कि क्लैश स्क्वाड के अंदर आतंक मचाएगी। तो बात करें टीम डी 2-0 से आगे है और एक काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रहा है। जी हाँ, एक क्वालिफायर राउंड चल रहा है जिसके अंदर टीम डी बनाम नेपाली स्पोर्ट्स चलता हुआ 3 मैच कंटिन्यू होने वाले हैं। जो सी टीम मैच जीतेगी वो क्वालिफाई होने वाली है अगले राउंड के लिए। तो ये मेरे को अनुमति मिली है, मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे को एक अलाउ किया गया है इस मैच को रिकॉर्ड करने का। और याही ने भाई छलांगे लगा दिए हैं, हवाओं में कदम रख चुकी है टीम डी और यहाँ पे एक बंदा नॉक है टीम डी का RNS। तो यहाँ पे आओ भाई लोंडे, क्या हेडशॉट मारा। और टीम डी के दो बंदे नॉक देखते ही देखते थोड़ा सा मेरी नज़र लग चुकी है बंदों को। नेपाल स्पोर्ट्स भाई जिसको मैं देख रहा हूँ वही बंदा मर जा रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे काफ़ी अच्छा हील अप करती हुई नेपाल स्पोर्ट्स अपने बंदों को। तो एक और बंदा हील हो गया है टीम डी के, याही और एलेक्स काफ़ी अच्छी गेम दिखाते हैं यार, हेडशॉट ही दिखेंगे इसके। रेड डॉट पे बंदा खेलना पसंद करता है भाई लोग। इस बंदे का यूट्यूब चैनल है RDLX नाम से, जाके सपोर्ट करो थोड़ा सा। 2v2 सिचुएशन, याही के हाथ गरम भाई साहब, खोपड़ी खोलने में मजबूत। दोनों लोंडों ने भाई साहब पूरी नेपाल स्पोर्ट को खोल दिया है 2v4 सिचुएशन में। दोनों ने क्या बताया, याही के पीछे से बंदा मारते हुए अच्छी बॉल लगा लिया लड़के एक बना टीम डी। तो टीम डी के दो बंदे हैं, नेपाल स्पोर्ट्स के भी दो बंदे। काफ़ी देर से बैटल देखने में नजर आ रहा है पर खत्म कोई नहीं कर रहा है, देखते समय पर मारता कोई नहीं। टीम डी का एक और बंदा नॉक, तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ गई है नेपाल स्पोर्ट्स के बंदे काफ़ी अच्छा। तो एलेक्स के पास MP40 की दिक्कत है और यहाँ पे नेपाल स्पोर्ट्स वापसी। कोई भी पहला मैच जीते कुछ नहीं करता मैटर, अगले दो मैच मैटर करने वाले हैं कि टीम डी लगातार दो मैच जीत गई तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी अगले राउंड के लिए। टीम डी का एक बंदा नॉक और याही के लिए तीन बंदे भाई साहब, ओ भाई मारो। तो याही को क्या बोले, याही के नीचे तीन बंदे आ चुके हैं। टीम डी का RNS को हील कर लिया गया है, तो उनके पास एक बंदा है। ओ भाई साहब गैंग वैंग पूरी स्क्वाड, नेपाल की स्क्वाड पूरी घर में घुसती है। याही इतना ज़्यादा खौफ है ना इस लड़के का, कसम से भाई इस लड़के का इतना ज़्यादा खौफ है ना। चार बंदे संभालने के लिए आते हैं इस अकेले बंदे को, तीन बंदे एक साथ मारने के लिए आते हैं। इतना गंदा नाम बना रखा है इस बार बंदों के बीच में। नेपाल स्पोर्ट्स का एक बंदा खत्म, याही खा जाएगा एक को, दूसरे को भी। ओ भाई क्या मार गया। टीम डी के दो बंदे बचे हैं, एलेक्स 2v2 सिचुएशन आ गई है। तो एलेक्स देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, रस मारते हुए 2v2 सिचुएशन। अंकित और एलेक्स एक बंदा हील हो चुका है नेपाली स्पोर्ट्स का। तो दो बंदे नेपाली स्पोर्ट्स के दो बंदे, टीम डी की स्क्वाड चढ़ चुकी है, अकेले बचे हैं नितेश। तो MP5 काफ़ी गंदी यूज कर रहा है भाई साहब एलेक्स, क्या यूज करता है MP5 बंदे को। ओ क्वाड्रा किल, ओ भाई लड़के ने 4 किल करी लास्ट राउंड में, क्वाड्रा किल LXKL7। जी हाँ, ये बंदा केरला से बिलोंग करता है तो इसलिए KL7 लगाता है अपने नाम के पीछे, तो इसके नाम का ये राज है। बंदे ने 4 क्वाड्रा किल, जी हाँ लास्ट गेम अंदर 4 किल निकाली भाई सब। ओ भाई लौंडा छा गया, जियो मेरे सेठ जियो। और तीन बंदे जिंदा हैं दोनों ही टीमों के। तो याही ने एक बंदे को नॉक लिया और ख़त्म भी हो गए। और अंकित और अब भाई कहाँ जा रहा है भाई ये एलेक्सिया। तो एलेक्स भाई साहब आतंक भाई, क्या स्पीड, क्या मूवमेंट
भाई कुत्ता बना दिया नेपाल स्पोर्ट्स के प्लेयर का भाई साहब, क्या गेम प्ले दिखा रहा है एलेक्स, या अलग ही लेवल डी एलेक्स के L7 के लाके प्लेयर भाई, काफी फास्ट है। और जो MP5 यूज करता है लॉन्ग रेंज, जो चाहे शॉर्ट रेंज, जो बस खोपड़ी खोलेगा भाई डबल रेट ऑफ फायर के MP5 के साथ भाई, क्या गेम दिखाता हुआ। और टीम डी चढ़ के खेलती हुई नेपाल स्पोर्ट्स के ऊपर गैंग बैंग, जी हाँ नेपाल की स्क्वाड की धज्जियां फिजेड़ दी है भयंकर। आई के पीछे चार चार बंदे गए आई को मारने के लिए, इसलिए नेपाल स्पोर्ट्स की स्क्वाड मारी। और इस बार फिर से आई के सामने एक बंदा, तो आई ने देखा नहीं और इसने लेट और ले गया भाई, ले जाएगा वो भाई। यही की बॉल आ गई है, 3 हेडशॉट खा चुका है, तो पूरा वेट कर लिया, यही को नॉक ले लिया है बहुत प्यारा। तो 3v4 सिचुएशन भाई साहब, राइट साइड डैमेज आता हुआ सेव को, तो सेव अच्छा खासा बॉल लगाता हुआ और अंदर बंदा घुस चुका है, तो अंकित डी अंकित और नॉक, तो टीम डी के लिए मुश्किलें आ चुकी हैं। अकेला वन मैन आर्मी की तरफ परफॉर्म कर चुका है सेव, तो एलेक्स की रफ्तार के सामने तो भाई साहब कोई नहीं रुक रहा है, बिजली जैसी रफ्तार बंदे के पास। बस भाई काफी अच्छा गेम दिखाता हुआ, 1v2v3 सिचुएशन, DRNS नॉक हो जाएंगे। तो अकेले एलेक्स से देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं टीम डी के गाइस, तो पूरी स्टडी करी गई है टीम डी को हराने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज एलेक्सिया स्टार्ट, और गैंगवैंग की स्क्वाड, बैटरीना की स्क्वाड पूरा वेट करके खेलती हुई डी आई के लिए, और सामने बंदा तो देखा नहीं इन्होंने डी एलेक्स ने, और यही पीछे से आ चुके हैं, जान निसार है इन पे, और बंदा काफी अच्छा खेलते हुए निसार, और दो बंदे ले चुका है 1v2 सिचुएशन में, तो हर एक बंदा अच्छा खेल रहा है, निशान काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीम डी के दो बंदे हैं और नेपाल स्पोर्ट्स के पूरे 3 तिगड़ी, और यहाँ पे एलेक्स, और अगर अंकित इसको नॉक कर दे तो गेम बन सकता है, आई थिंक सो। और यहाँ पे अच्छा खासा कंप्लीट कर दिया है 2v3 सिचुएशन, एलेक्स ही अपने आपको हील अप करते हुए, और यहाँ पे नॉक कर लेंगे, तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ चुकी है टीम डी के लिए, अकेले बचे गए अंकित एपैप, तो वापसी के संकेत ठोक दिए हैं पूरी नेपाली स्पोर्ट्स ने। ओ भाई ये अलग ही जादू देखने में नजर आ रहा है, नोवा को देखो भाई, ये मेडिसिन भी लगा रहा है, चल भी रहा है, ये कौन सा जादू है, ये अलग ही जादू चलता हुआ नेपाल स्पोर्ट्स का। नोवा मेडिसन भी लगा रहा है, चल भी रहा है, वॉल भी चला रहा है, और सब कुछ मार भी रहा है बंदों को, पीछे से डैमेज और वॉल भी लगा ली, तो इनका एक बंदा नॉक, तो ये भी नॉक, अच्छा ही नॉक हो चुका है सॉरी, तो दूसरी और को देखते हैं नॉक हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा था उस बंदे के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे 3v3 सिचुएशन चलती हुई काफी अच्छा, 3v4 सिचुएशन, नेपाल स्पोर्ट्स के सारे बंदे हिल अप हो चुके हैं, और सारे बंदे जोन में फंस सकते हैं अगर टीम डी की स्क्वाड आगे वॉल लगा दे तो, क्योंकि ये ऑफिशियल मैच चल रहा है, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बस बजाओ कुछ भी करो, मैच जीतना है बस, ना ग्रेनेड अलाउ है ना स्मोक ग्रेनेड, बाकी सब कुछ अलाउ है, कुछ भी कर सकते हो। 3v4 सिचुएशन, टीम डी की स्क्वाड भारी भरकम, पिटाई होती हुई थोड़ी थोड़ी इस गेम के अंदर, या ही आ और RNS बचे हैं दोनों के दोनों, टीम डी की स्क्वाड काफी मुसीबतों में आ चुकी है, RNS और एलेक्स, और RNS को नॉक कर लिया गया, तो अकेले यही बचे, तो 1v4 सिचुएशन, नेपाल स्पोर्ट्स क्या ही लव करती यार अपने बंदों को, काफी अच्छा, टीम डी की स्क्वाड खत्म, और दोनों स्क्वाड है जिंदा, पूरी 4-4 से बराबरी, काफी भारी भरकम मैच चलता है, एक ऑफिशियली टूर्नामेंट के अंदर ये मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। और यहाँ पे टीम डी के मेंबर्स देखे तो एलेक्स नीचे और यही नीचे, अंकित ऊपर और RNS भी ऊपर, तो काफी अच्छा मैच, और RNS ने एक बंदे को शॉट गन के काफी अच्छे फटके धमा दिए हैं, तो 4v4 सिचुएशन, अपनी बॉल तोड़ते नेट चलता हुआ जाता हुआ RNS का थोड़ा थोड़ा, तो 4v4 सिचुएशन, दोनों टीमें एक साथ हैं और RNS ऊपर से आ गए, शॉट गन हाथ में, और सामने वाले बंदों के पास सबके पास SMG की गन, तो शॉट गन बना हुआ SMG, या ही ऊपर आ चुके हैं भाई, तू निकल एक बार, और यहाँ पे अंकित ने गलत बॉल लगा दी, और यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड पूरी आ चुकी है, और यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका है टीम डी का, और अंकित FF नॉक, और यहाँ पे 3v3 सिचुएशन, सामने नेपाल स्पोर्ट्स के एक और बंदा नॉक, और यहाँ पे RNS ने भी एक किल कन्फर्म कर लिया, तो 3v3 सिचुएशन चलती हुई, और निशान पूरा वेट करके खेलती है, कोई कहीं से निकले क्योंकि भसड़ मच चुकी है भाई, सब एक बॉल के पीछे, कोई कहीं पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, टीम डी की मुसीबत बढ़ चुकी है, एलेक्स और यही नीचे हैं, और पूरी स्क्वाड नेपाल स्पोर्ट्स की एक साथ जिंदा है, और नेपाल स्पोर्ट्स के दो बंदे, टीम डी के दो बंदे, यही एलेक्स को एक गेम निकालना पड़ेगा, बंदा दिक्कत आ सकती है। ओ भाई क्लच, ओपी क्लच दिखाता हुआ एलेक्स, यही सॉरी यही की तरफ बोले तो, और यहाँ पे नितेश आते हुए पीछे से, और यहाँ पे एलेक्स काफी अच्छा डैमेज देते हुए, अकेले बचे हैं नितेश, तो ले सकते हैं इनको, और एलेक्सिया 5-4 गए टीम डी के अंदर, और CAS सेफ की हेल्थ काफी कम, बंदे का लेवल भाई 76 है, काफी अच्छा लेवल, बंदे का उमदा लेवल है, और यहाँ पे बॉल ब्रोक करी जा रही है बंदे की, पीछे से स्पेस बन चुका है, टीम डी के मेंबर्स की निगाहें देखें तो अकेले डी यही घुस चुके हैं भाई, ले जाएगा यो, यही ले जाएगा भाई, यही ना छोड़ेगा, और यही ले जा चुका है और यहाँ पे 3 बंदे बचे हैं नेपाल स्पोर्ट्स के, टीम डी का एक बंदा ऊपर चढ़ चुका है, और इस गेम के अंदर कुछ भी कर सकते हो, हर एक चीज अलाउड है, स्मोक ग्रेनेड और ग्रेनेड के अलावा सब कुछ अलाउ है, हर चीज अलाउ है, टीम डी का एक और बंदा जा सकता है, नेपाल स्पोर्ट्स के तो खोपड़े पे खोपड़े खोले जा रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा बचा है नेपाल स्पोर्ट्स का जो कि नितेश, टीम डी के 3 बंदे, तो नेपाल स्पोर्ट्स को मात दे दिया पहले मैच के अंदर टीम डी ने इस टूर्नामेंट के अंदर,
तो टीम डी बनाम नेपाल स्पोर्ट्स का दो बेस्ट ऑफ थ्री होने वाला है, और टीम डी ने पहले मैच के अंदर ही बखेड़ा बखेड़ी कर दिया नेपाल स्पोर्ट्स की, और अकेले बचे हैं निशान। तो आज के मैच में काफी मजा आया, तो देखेंगे दूसरे मैच में क्या होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच में, क्या बेस्ट ऑफ थ्री मैच में टीम डी लगातार दो मैच जीत के नेपाल स्पोर्ट्स का चैप्टर क्लोज कर देगी। और 6-4 से टीम डी की तरफ से बात करें तो याहिन ने 9 किल करी, वहीं बात करें तो नितेश ने 10 किल करी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर देन, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल, पार्ट 2 कमिंग सून।